पीछे हो तुम सीधा, इधर उधर उधर जाइए, उधर उधर चले जाइए, हॉस्पिटल यही जगह ले लो। कुणाल थोड़ा घुमाते फिराते रहो बाबू, घुमाते फिराते रहो अच्छा से। शेव तुम
बनते इधर जाइए घर से। अरे रास्ता आगे है जी, रास्ता है। आगे से आगे यही यही सर है। अरे आगे मत जाओ, एक तरफ से हो जाओ, डिस्टेंस मेंटेन अप करो।
आपस में भी डिस्टेंस बनाई है। देव पीछे आजा, पीछे पूरा इधर इधर बैक तरफ थोड़ा पीछे आजा भाई, पीछे पीछे हटिए थोड़ा। चलो चलो भैया, थोड़ा दूर तो स्पीकर दे दे भाई, मंटी भाई स्पीकर। स्पीकर दे दीजिए भैया, चल जाइए। क्या बोल रहे हैं आप? हम वो स्पीकर के पास जा रहे हैं, ये रखने के लिए माइक, माइक रखने जा रहे हैं। रखिए, पटक रखिए स्पीकर के पास। तो अभी स्पीकर है ही नहीं। हाँ यहाँ रखो, यहाँ सामने आगे रखो, आगे बैठ जाना आराम से, बैठ जाना, आ जाओ दीपक। हेलो 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 ठीक है दोस्तों, आज
होगा सर, पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज आदिवासी दिवस के रूप में इसकी पहचान है। आज इस दिन के शुभ अवसर पर मैं समाज के हर एक व्यक्ति तक चाहे वो देश के विभिन्न प्रांतों में रहते हों या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, उन सभी को आज के इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी ओर से जोहार करता हूं। आदिवासी दिवस और आदिवासी के नाम पर ही कई चीजें छुपी हुई, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में रहने वाला ये समूह समाज और प्राकृतिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को अपने सीने से लगाकर चलने वाला यह समाज निश्चित रूप से ये गौरव की बात है कि आज प्रकृति के इतने करीब रहने वाले लोग विभिन्न प्रांतों में आज के दिन खुशियां मना रहे हैं। वैश्विक महामारी की वजह से आज ये कार्यक्रम भावी तो नहीं हो पाया, फिर भी एक सांकेतिक रूप से हम लोगों ने यहां नीलांबर पीतांबर पार्क में साल और करम के पेड़ लगाए हैं और इस आशा और उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से ये वृक्ष हमारे बीच में एक सदियों से रहते आई हैं, आगे भी इन वृक्षों के छांव में और इन वृक्षों के फल फूल से ये समाज आगे भी फलेगा फूलेगा और इस व्यवस्था को और मजबूत करेगा। इसलिए पुनः झारखंड के हमारे वीर सपूतों को नमन करते हुए अपनी ओर से आज के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जोहार, धन्यवाद। लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, मोर्टालिटी रेट भी ज्यादा बढ़ने लगा है, लोग अब डर रहे हैं। आपके यहाँ से भी सर लगभग 100 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो सरकार अब क्या कर सकती है? देखिए, इस विषय पर सरकार की
कड़ी नजर है और इस संक्रमण के उतार चढ़ाव पर भी नजर है। ऐसे परिस्थिति में इस महामारी से जंग भी लड़ना है और जीतना भी। आपको मालूम है कि भारत सरकार ने लगभग 2 दिन में अनलॉक की प्रक्रिया लगभग पूरी तरीके से घोषणा कर दी है, यदाकदा चीजों को छोड़कर। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर सरकार भी निर्णय ले रही है, आगे बढ़ रही है। हम लोग अनलॉक की प्रक्रिया में भी देश में लगभग सबसे पीछे हैं। हमारे कई संस्थाएं, कई व्यवस्थाएं अभी तक बंद पड़ी। आज ये बहुत बड़ी चुनौती है, विशेषकर गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए। इसलिए चुनौती है और इस चुनौती को मद्देनजर हर पल हम लोग जानकारी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो बेहतर भविष्य में आने वाला समय में होगा इस राज्य के लिए, इस राज्य के मानव जीवन के लिए, वो निर्णय लिए जाएंगे। देखिए, इस पर तो मैं एक दो बात कहना चाहूंगा कि आज की रविवार है और हमने ये निर्णय लिया है, सरकार ने ये निर्णय लिया है, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि आने वाले समय में इस आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकाश भी होगी। इसकी घोषणा मैं करता हूं। आज संविधान द्वारा प्रदत्त कई शक्तियों के बावजूद भी आज हमारे लिए, इस समाज के लिए कुछ सवालें जरूर खड़ी हैं जिस पर हमें चिंता करने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। आदिवासी दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय युवा दिवस भी बारह जनवरी को होता है।